सोमवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को एक बार फिर आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बीजेपी पूरे प्रदेश से साफ हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 24 दिसंबर से सुभाषपा के लोग सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। वहीं बीजेपी के छोड़ने के सवाल पर बोले, 125 सीट जितवाया हूं इसलिए बीजेपी छोड़कर नहीं भागूंगा। गाजीपुर पीएम की सभा में न जाने के सवाल पर बोले कि सभा का निमंत्रण नहीं मिला है और नहीं जाऊंगा। वहीं उन्होंने मंदिर मुद्दे को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावा भगवान के लिए चढ़ाए जाते हैं जबकि चढ़ावे के पैसे का मजा पुजारी लेते हैं। मांग किए कि मंदिर में भी अब आरक्षण व्यवस्था लागू हो। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर नवीन प्रधान की ये रिपोर्ट। देखिए, आज आप लोगों को इधर जो बुलाया गया है, हम लोग 24 दिसंबर से प्रदेश व्यापी क्रमिक अनशन पे बैठने जा रही है भारतीय समाज पार्टी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर के जो सामाजिक न्याय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी लागू नहीं करना चाहते हैं। उनका ध्यान अर्ध कुंभ में लगा हुआ है। जब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि 6 महीना पहले हम विभाजन कर देंगे, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह तक का सूचना जारी होने की प्रबल संभावना है, तो समय नहीं है। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो जनता के बीच में हम लोगों ने वादा किया है कि हम जिस तरह शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को निःशुल्क ISPCS कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में 16 जगह खुला है, उसी तरह पिछड़ी जाति और सामान्य जाति को भी 18 मंडल में खुलवाने के लिए जो जनता के बीच में कह करके 2017 में वोट लिए हैं, अब आने वाले दिनों में 2019 के चुनाव में हम उनके बीच में जाके किस आधार पर वोट मांगेंगे। हमने उनसे वादा किया था कि सरकार में जाने के बाद हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जो 1,77,00,000 गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा में हम लोग सुधार लाएंगे, लेकिन उसमें भी हम सफलता नहीं पाए। इस बात को लेके हम लोग चिंतित हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बड़ी चर्चा लोग करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सीट बढ़ाने के लिए, लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए ये बयान देते हैं। मेरा सिर्फ बयान है कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जो 3 कैटेगरी बनाने की पेशकश कमेटी ने किया है, उसी को लागू कर दें। हमको सीट नहीं चाहिए, यही हमारी सीट होगी। इस तरह की बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं, ज्ञान नहीं है। हम कोई सड़क का ठीका पट्टा नहीं मांग रहे हैं अपने लिए, ना बालू और गिट्टी का। हम सिर्फ गरीबों के राशन कार्ड, आवास, पेंशन, शौचालय उनके ठीक हो जाएं, इसी बात को लेकर लड़ते हैं। ये संदेश देने के लिए आप लोगों को इधर बुलाया है। 29 तारीख का एक कार्यक्रम है गाजीपुर में, उसको लेकर भी आप कुछ देखिए। आपने देखा कि जब 2017 का चुनाव आया तो इसी बनारस की धरती पर माननीय अमित शाह जी को बुलाया गया और ये कह कर के कि राजभर को आरक्षण मिल जाएगा और घोषणा हो जाएगी। आरक्षण लेने के नाम पे भीड़ जुटाई गई, आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन उस व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, उसको टिकट मिल गया, अब वो तो मंत्री बन गया। फिर जिन लोगों की कवायद निकाय चुनाव में लगाया लोगों ने, सभी राजभर सांसद और विधायक मंत्रियों को दौड़ाया, जब फेल हो गए तब ये 29 तारीख को रेल ये डाक टिकट के बहाने, महाराजा सुहेल देव डाक टिकट के बहाने, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 20 लोकसभा सीटों पे
जो राज्यभर वोट प्रभावित करता है, उस वोट को अपने पाले में करने के लिए ये 27 तारीख को 29 तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब वो कार्यक्रम के पीछे जो राज्यभर नेता घूम रहे हैं उनका निजी स्वार्थ है। अगर डाक टिकट जारी करना है तो जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मुगलसरा का स्टेशन बन सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लोकार्पण हो सकता है, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लिख के टिकट जारी करते। सुहेलदेव एक्सप्रेस चला दिए, एक भी राजभर को रेलवे में तो नौकरी नहीं मिली। डाक टिकट जारी कर देंगे तो क्या नौकरी रोजगार मिल जाएगा? ये सिर्फ जब चुनाव आता है तो सिर्फ वोट के लिए ये सब ड्रामे होते हैं। तो आपको ही बुलाया गया कि नहीं इस प्रोग्राम में? मैं जाऊंगा भी नहीं, बुलाएंगे भी तब भी नहीं जाऊंगा। पिछली बार जब आए थे तो मैं भी वहां से विधायक था, मिनिस्टर था, तो नहीं बुलाया गया। पूर्वांचल में जब जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, चाहे बनारस लगा हो, चाहे आजमगढ़ लगा हो, चाहे गोरखपुर लगा हो, चाहे जहाँ भी लगा, कहीं नहीं बुलाए, तो आज क्यों बुलाएंगे? ऐसा नहीं लगता कि दो फाड़ कर रहे हैं वो पब्लिक की राज्य में राजभर के? देखिए एक चीज बता दें कि सूरज के सामने अगर कोई दीपक लेके प्रकाश करने के लिए निकले, हमको तो नहीं लगता कि उसका दीपक सूर्य को ढक पावे। मायावती जी के सामने आ जाके कोई कहे कि हम उस वोट को हम ले लेंगे, आज अखिलेश जी के सामने कोई आकर के ताल ठोके कहे हम ले लेंगे, बड़ा कठिन काम है। लेकिन ये तो कवायद लगाई जा रही है कि अब एक राज्यभर को काटने के लिए दूसरा राज्यभर तैयार किया जा रहा है। ये तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद से ही काम चालू है, नई बात थोड़ी है। तो इसलिए नाराजगी है आपकी? हमारी नाराजगी नहीं, हमारी नाराजगी 27% आरक्षण में बंटवारे को लेके है। हमारी नाराजगी प्राथमिक विद्यालय में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उसमें शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा, ये नाराजगी है। पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के बच्चों को IAS और PCS मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग नहीं खुल पा रही है, इसके लिए नाराजगी है। पिछड़ी जाति के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त को मीटिंग करके कहा और आदेश भी हुआ, प्रेस नोट जारी हुई, पूरे प्रदेश में समाचार छपा और आज 4 महीना हो गया, अभी तक शुल्क प्रतिपूर्ति जो बच्चों के खाते तक नहीं गई, ये नाराजगी है। तो आप प्रचार कर रहे हो कि हमने विभाग उनके पास है, पैसा उनको दे दिया, पैसा भी नहीं दिया, विभाग तो दिया लेकिन मैसेज चारों तरफ दे रहे हो कि छात्रवृत्ति का पैसा उनको दे दिया हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इसको साबित कर दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। नहीं, कई भाजपा नेता कहते हैं कि यदि इतना ही नहीं पसंद है पार्टी छोड़ दीजिए। ऐसा ना ना, जब 125 सीट जीतवाए हैं, 125 सीट जीतवाए हैं ना, जब गाय दूध नहीं देती छटकती है तो उसको छन्ना लगाया जाता है, उससे भी नहीं मानती है तो डंडा, चाहे डंडा उसको लगता है तब दूध देती है। मंत्री जी, एक केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी पिछड़ी जाति के आरक्षण की बात की, उनकी बातों को नहीं सुना गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, खुल के विरोध कर रहे हैं BJP की। तो क्या लगता है कि आप, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तो आप भी ऐसा रुख अपनाएंगे? अब आने दीजिए, समय बताएंगे। तो अभी बता दीजिए, आने दीजिए। अभी तो बैठने जा ही रहे हैं आप 24 तारीख से, तो क्या विरोध करेंगे ऐसे? भाई 24 तारीख को धरने पर बैठने का मकसद आप समझ लीजिए। विरोध का? हमारी पार्टी जिस इशू को लेकर के लड़ रही है हम उसको लड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं। ये इतने लंबे समय तक कर क्या रहे हैं ये लोग? ये लोग दिमाग इन लोगों का अयोध्या में मंदिर के नाम पे जनता को बहकाने का है, कुंभ में नहा करके सबको बैकुंठ पहुंचाने का है, इसी में ध्यान पूरा है और कुछ काम नहीं है। 3 राज्यों में हार का कारण क्या रहा, आपको क्या लगता है? देखिए 3 राज्यों की समीक्षा जो है, राजस्थान के जनता का एक अलग मिजाज है, वहाँ एक बार भाजपा को लाते हैं तो एक बार कांग्रेस को, इस बार वहाँ कांग्रेस का नंबर है। अब रहा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में जो हार का कारण है और छत्तीसगढ़ में, वो SC ST Act है, हनुमान जी को दलित बता देना, इसके वजह से हार गए हैं। तो क्या 2019 में भी यही होने वाला है क्या?
अब जहां एक एक स्टेट में 5 लाख लोगों ने नोटा दबाया था, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग थे, SC ST एक्ट को लेकर जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन्हीं लोगों ने नोटा दबाया था। 20 सीट जीतती, 20-22 सीट भाजपा जीतती, 600, 700, 800, 900, 1000 वोट से हारी है वहां। मंदिर देखिए, हमारी अपनी सोच है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है भगवान को वो रुपया पुजारी लेता है। हमारी जरूरत है कि बनारस के विश्वनाथ जी जैसे, सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 9 लाख मंदिर है। अब 9 लाख मंदिर का पुजारी, जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उतने उसको पुजारी बना दिया जाए, तब हमको मंदिर जरूरी समझ में आएगा। अब तो पाथवे के नाम पे मंदिर भी तोड़ा जा रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर पे। कहाँ तोड़ा जा रहा है, बहुत टूट गया, टूट गया, उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है कि ज्यादा भीड़ हो जाएगी, जाम हो जाता है, ज्यादा लोग आएंगे और माल चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ, चलो आओ शिवा।